जी ये अंदर से भी देख सकते हैं इसे, ये इसके अंदर वर्म दिया गया है। तो ये कस्टमर की डिमांड पे तकरीबन 70 केजी का बनाया गया। अगर कोई इससे बड़ा भी तैयार करवाना चाहता है तो इससे बड़ा भी तैयार करके दिया जा सकता है। फूड ग्रेड में अगर कोई यूज करता है तो उसमें हम ये सारा स्टील में बना के देंगे। ये लोहे में बना हुआ है, वो फिर स्टील में बन जाएगा। इसी तरह कुछ सीड होते हैं, उन्हें जब तेजाब वगैरह लगाना होता है तो उस सूरत में भी ये स्टील में बनाया जाता है, फिर लोहे में नहीं बनाया जाता। अलग करना चाहें, बिल्कुल सेपरेट करना चाहें तो फिर भी इसे बिल्कुल सेपरेट भी किया जा सकता है। ये सारे का सारा ढक्कन जो है उठाया भी जा सकता है। पहले जो है ये बाहर की कंट्रीज में इस तरह के जो मिक्सर तैयार हो रहे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह डस्क इंजीनियरिंग वालों ने भी ये मिक्सर जो है ये तैयार कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे मिजाज है जी? अल्लाह का शुक्र है। दोस्तों को सबसे पहले जरा अपना और अपने काम का तारुफ करवा दे। उस्मान अशरफ मेरा नाम है, डस्क इंजीनियरिंग के नाम से हमारा काम है। नित नई मशीनें हम बनाते रहते हैं, वो मशीनें जो इंटरनेट पे देखा करते हैं हम के दीगर कंट्रीज में तैयार हो रही हैं, वो हमारी डस्क इंजीनियरिंग वाली उनकी कोशिश यही होती है कि वो मशीनें अब पाकिस्तान में तैयार हों। उनमें से ये एक सीड लगाने वाली मशीन है जी, सीड को रंग लगाने वाली और मेडिसिन वगैरह लगाने वाली मशीन है। अच्छा, जरा डिटेल से बताएं कि इस मशीन को बनाया क्यों गया है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके मकसद क्या है? ये अभी तो वैसे जिस कस्टमर ने हमसे बनवाई है, सरगोधे का कस्टमर है, उसने हमसे ये मशीन बनवाई है। उसने बीज को रंग लगाने के लिए जो है ना बनवाई है। बीज अमूमन जो जिन्होंने जो सीड का काम करते हैं उनका सीड अक्सर ख़राब हो जाता है, उसे कीड़ा लग जाता है। तो जब उसे कलर कर लिया जाता है या उसे मेडिसिन वगैरह लगा ली जाती है तो उस सूरत में उसे कीड़ा फिर नहीं लगता और फिर उसे सेव रखा जा सकता है। तो ये सीड को कलर करने के लिए जो है ना ये बनाई गई है। जैसा कि अभी देख रहे हैं, ये इसके अंदर थोड़ा सा बाजरा पड़ा हुआ है जो थोड़ी देर पहले हमने प्रैक्टिकल किया है, तो ये बाजरे को भी इसमें कलर लगाया गया है। तो इसको सीड को कलर लगाने के काम भी इसे लाया जा सकता है। और इसके अलावा ये बेहतरीन मिक्सर है, यानी आप बंडा मिक्स करना चाहते हैं या इस तरह के सरफ मिक्स करना चाहते हैं, साबुन मिक्स कर, साबुन के जो मटेरियल है उसे मिक्स करना चाहते हैं, या इस तरह के कोई भी इंग्रेडिएंट जो आप मिक्सिंग जिसमें आपको रिक्वायर्ड होती है उसके लिए ये एक बेहतरीन मिक्सर है। 2 HP की इसे मोटर लगी है, लेकिन 2 HP की मोटर के साथ ही आपको अच्छी खासी मिक्सिंग दे रहा है। जैसे कि आप प्रैक्टिकली आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि कितनी अच्छी इसमें मिक्सिंग हो रही है। और उसके बाद इसको निकालने के लिए भी यहाँ पे रास्ता दिया गया है कि आसानी से आप इसमें से निकाल भी सकते हैं। ऊपर ये खाली प्लेट दी गई है, अगर कोई चाहे तो यहाँ पे शीशे भी लगवा सकता है कि जिसके अंदर से नज़र भी आता रहता है कि कितनी मिक्सिंग हो गई और कितनी मजीद रिक्वायर्ड है। अगर बाद लिक्विड ऐसे होते हैं कि जिनकी स्मेल ज़्यादा होती है तो आप इसको नहीं खोलना चाहते, तो उस सूरत में भी यहाँ पे शीशे लगा दिए जाते हैं ताकि आप इजीली इसे देख सकें। और उसके बाद सिस्टम इसमें यह किया गया है कि ये अलग से बना दिया है, और इसको अगर आप खोल के अलग करना चाहें, बिल्कुल सेपरेट करना चाहें तो फिर भी इसे बिल्कुल सेपरेट भी किया जा सकता है। ये सारे का सारा ढक्कन जो है उठाया भी जा सकता है। तो इस ये सारे फंक्शन जो है इसमें दिए गए हैं। ये पहले जो है ये बाहर की कंट्रीज़ में इस तरह के जो मिक्सर तैयार हो रहे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह डस्क इंजीनियरिंग वालों ने भी ये मिक्सर जो है ये तैयार कर लिया है। चलो बेहतरीन हो गया। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये बताएं, अगर बिजनेस की बात की जाए तो किस तरह इस छोटी सी मशीन से बिजनेस फिजिबिलिटी बयान करेंगे, कौन कौन सा बिजनेस इसके थ्रू हो सकता है और किस तरह हो सकता है, ये डिटेल दें जी। एक तो सीड का ही बिजनेस इसके जरिए हो सकता है, दूसरा बंडा मिक्सिंग का बिजनेस हो सकता है, और तीसरा सरफ का अगर आप कारोबार कर रहे हैं उसमें भी मिक्सर की ज़रूरत पड़ती है। ये सारे कारोबार जो है इसके ज़रिए हो सकते हैं, इस मिक्सर के ज़रिए। बेसिकली इसका काम जो है वो मिक्सिंग है। पहले वो रिबन मिक्सिंग मिक्सर वगैरह आते हैं, लेकिन उसमें उस अंदाज में मिक्सिंग नहीं हो पाती जितनी के रिक्वायर्ड होती है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जो है मिक्सिंग हो जाती है। अच्छा, इस मशीन की कीमत की बात की जाए तो इस मशीन की कीमत कितनी है, इसके अलावा इसकी मोटर किस बिजली पर चलेगी, क्या इसे अखराजात आते हैं, ये थोड़ी डिटेल है इसके बाद। जी, ये सिंगल फेज पे चलने वाली मशीन है, इसके लिए कोई 3 फेज रिक्वायर्ड नहीं है। आप सिंगल फेज पे भी अगर आप काम करते हैं तो आपका काम जो है ये चल सकता है। अगर कीमत की बात कर ली जाए तो कीमत अमूमन अब हम वीडियो में नहीं बताते, उसकी वजह ये है कि जब कस्टमर आता है, बस का 2 साल पुरानी वीडियो होती है, 3 साल पुरानी होती है, तो वो परेशान होता है कि आपने उस वक्त रेट ये बताया था। तो आज जो ये 18 मई 2023 चल रहा है, तो इसमें इसका रेट जो है अभी 1,70,000 रुपये है। तो आगे जब मजीद वक्त के साथ साथ रेट चेंज हो सकते हैं।
तो अभी ये सरगोधे के लिए जा रहा है, तो मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि कुछ लोग ऑनलाइन पे बिलीव नहीं करते कि ऑनलाइन अगर हमने ऑर्डर किया तो पता नहीं हमें मशीन पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं अपने अपने ठिकाने पे नहीं हूँ, डस्का इंजीनियरिंग पे मौजूद नहीं हूँ, बल्कि ये गुड्स वाले अड्डे पे मौजूद हूँ, जहाँ पे हमारी ये मशीन बेल्टी के लिए आई हुई है। ये सरगोधा के लिए जा रही है, इसके साथ ये मशीन है, ये खुशाब के लिए जा रही है, ये भी हमारी मशीन है। इसके अलावा वो डस्का इंजीनियरिंग की वो देख रहे हैं 5D है, ये भी गुजरात के लिए जा रही है। अल मुख्तसर ये कि डस्का इंजीनियरिंग पे आप अंधाधुंध बिलीव कर सकते हैं, आप अगर जैसे ही ऑर्डर करते हैं तो आपको आपके इलाके में मशीन पहुंच जाती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती कि आया कि हमें मशीन पहुंचेगी या नहीं। एट अ टाइम इस वक्त मैं आपको 3 मशीनें दिखा रहा हूँ गुड्स पे, कि जो अभी हमारी डस्का इंजीनियरिंग की मौजूद है, और रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन इस तरह मशीनें जारी होती हैं, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप आ जाएं तो वेल एंड गुड है, हम ये इसी चीज़ को प्रेफर करते हैं कि आप खुद हमारे पास तशरीफ लाएं, यहाँ पे आके मशीनें चेक करें, उसके बाद ऑर्डर करें। लेकिन अगर कोई नहीं भी आता तो उस सूरत में भी आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं तो डोंट बी वरी, आपकी मशीन आप तक पहुँच जाती है। चलें बेहतरीन हो गया उस्मान भाई, खुद ही आपने सारा कुछ बता दिया। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि इस मिक्सचर को अगर मिक्सचर के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो इसकी क्या कैपेसिटी है, कितना माल इसमें मिक्स हो सकता है, कौन कौन सा, कोई लिक्विड भी मिक्स हो सकता है या सिर्फ ड्राई मिक्स होगा, ये ले लेना जरा। ये एट अ टाइम इसमें तकरीबन 70 kg तक जो है मिक्सिंग हो सकता है। ये जो ड्राई आइटम्स हैं उस उनके लिए ये बेहतरीन है, और अगर कोई लिक्विड के लिए बनवाना चाहता है वो भी हम बना देते हैं, वो एज पर ऑर्डर हो गया कि कितने केजी का किसी को रिक्वायर्ड है उस हिसाब से हम बना देते हैं। चलें बेहतरीन हो गया, एक दफ़ा फिर मुझे ज़रा मशीन विजिट करवाएं ताकि दोस्तों को पता चल सके किस मटेरियल का बना है, क्या इसकी लाइफ है, कितनी देर बाद जाके ये ख़राब होगा या क्या इसके मामला हैं। जी ये अंदर से भी देख सकते हैं इसे, ये इसके अंदर वर्म दिया गया है, तो ये कस्टमर की डिमांड पे तकरीबन 70 kg का बनाया गया। अगर कोई इससे बड़ा भी तैयार करवाना चाहता है तो इससे बड़ा भी तैयार करके दिया जा सकता है। नंबर जो है हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 0345-217-12-08, दूसरा नंबर है 0324-490-91-12। इन नंबर्स पे आप रब्ता करके इस तरह के मिक्सर जो है वो तैयार करवा सकते हैं। अच्छा उस्मान भाई, ये जिस तरह आपने बताया एग्रीकल्चर में ये यूज़ होगा, अगर कोई बंदा फूड आइटम फूड ग्रेड चीज़ मिक्स करना चाहता है तो उसके लिए भी यही इस्तेमाल होगा या उसका कोई मटेरियल में चेंजिंग होगी? जी फूड ग्रेड में अगर कोई यूज़ करता है तो उसमें हम ये सारा स्टील में बना के देंगे, ये लोहे में बना हुआ है वो फिर स्टील में बन जाएगा। इसी तरह कुछ सीड होते हैं उन्हें जब तेजाब वगैरह लगाना होता है तो उस सूरत में भी ये स्टील में बनाया जाता है, फिर लोहे में नहीं बनाया जाता। चलें बेहतरीन होगा, बहुत बहुत शुक्रिया फी अमानल्लाह। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग बिल्कुल फ्रीली जहाँ पे ये कार्गो के लिए सामान आया, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ दोस्त ऑनलाइन ट्रस्ट नहीं बना पाते, तो इसलिए हम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी और बिल्कुल आवाम में ठहर के हम लोग ये सारी ये दिखा दें जरा। ये खुशाब जा रही है और इसके अंदर भी वो डस्का इंजीनियरिंग का स्टिकर लगा हुआ है। ये जी ये खुशाब के लिए जा रही है, ये सरगोधा के लिए जा रही है, और तीसरी मशीन एक दूसरी तरफ है वो चकवाल की तरफ जा रही है। ठीक है उस्मान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, फी अमानल्लाह, अल्लाह रब रखा।